हाय फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई हो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे घेवड़ा के फूल और घेवड़ा और ये लौकी के पत्ता और अरवी के पत्ता का साग, बहुत टेस्टी, वो भी सरसों डाल के। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। तो यहाँ पे देखिए, ये दो घेवड़ा, एक पतला है एक मोटा है, और ये घेवड़ा का फूल है। तो इसको हम ये किनारे से निकाल लेंगे और ये बीच वाला फेंक देंगे, क्योंकि ये बीच वाला जब रहेगा तो इसमें तीखा लगेगा। तो इसको हम तोड़ेंगे पत्ते ऐसे निकाल निकाल के, और इसको बीच में का फेंक देंगे। तो फ्रेंड ये देखिए, और ये है, देखिए कोहड़ा का पत्ता। और फ्रेंड ये रहा हमारा अरवी का पत्ता, जो उसमें ये भी हम डालेंगे काट के, क्योंकि इससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो हम इसको देखिए, इसका ये पीछे का डंटीला हटा के और इसको धुल के हम पहले से रख लिए थे। तो इसका पानी हम एक कपड़े से पोंछ दिए हैं, तो सारा पानी इसका सूख गया है। तो फ्रेंड देखिए, इसको हम काटेंगे और आपको बताएंगे कि इसका और इन सबों का साग कैसे बनता है। तो इसमें क्या क्या हम डालेंगे, सरसों और हरा मिर्च, क्योंकि हम बिना लहसुन प्याज का बनाएंगे, और तड़के में हम डालेंगे हींग और जीरा। तो फ्रेंड अभी हम चल रहे हैं इसको ये सब ये तोड़ेंगे और अलग अलग रखेंगे, क्योंकि देखिए हम आपको तोड़ के बता दे रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए, ये जो बीच का होता है ना, ये तीखा लगता है, तो इसको हम नहीं डालेंगे, इसको हम फेंक देंगे। तो ऐसे ही हम सारे तोड़ लेंगे और तोड़ के रखेंगे। और जो ये है, ये इसको हम नहीं फेंकेंगे, इसको हम डालेंगे। इसमें सिर्फ देखना है कि इसमें कोई कीड़ा या कोई चींटी उटी नहीं है, तो इसको हम डाल देंगे फ्रेंड। तो अभी हम चल रहे हैं इसको तोड़ने और इसको छील के काटेंगे, और तब आपको बताएंगे कि इसका साग कैसे बनता है। तो फ्रेंड देखिए, अब इसको हम नीचे रख दिए हैं और इसको उठा उठा के और इसको अच्छे से कर लेंगे। ये हमारा है डलिया, इसी में हम रखेंगे तोड़ तोड़ के। तो फ्रेंड हम इसको हटा दे रहे हैं और इसको इसमें रख रहे हैं, क्योंकि धुलने में भी आसान रहेगा ये। सब इसमें रख दे रहे हैं। तो फ्रेंड हम इसको तोड़ के, इसको साफ करके और ये काट के और ये सब धुल के और आपको बताते हैं। तब तक आप लोग वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें। तो फ्रेंड देखिए, सब्जियां कट चुकी हैं। ये सारे जो पत्ते बताए थे, कोहड़ा और ये अरवी का पत्ता, ये सब काट के मिक्स हो गया है नीचे, और ये भी काट दिए, इसका छिलका हटा दिए घेवड़ा, और ये सारा पत्ता हम तोड़ लिए हैं। और ये देखिए, ये सारा बीच का ये सब निकाल दिए हैं, देखिए, क्योंकि इससे तीखा लगता है इसमें डालने से। और जो इसके बीच का था वो यहाँ रखे हैं, इसको फेंकना नहीं है हमको, इसको भी इसमें मिक्स करके बनाना है। और ये सारा फेंक देना है कचरा। तो फ्रेंड अब हम चलते हैं गैस की तरफ और कढ़ाई रखते हैं गर्म होने के लिए, और आपको बताते हैं
कि इसका साग कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान तरीका है, वैसे तो लहसुन इसमें पड़ता है तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन नवरात्र चल रहा है ना इसीलिए लहसुन नहीं पड़ता है हमारे यहाँ, तो बिना लहसुन का बनाएंगे हम। तो फ्रेंड देखिए कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, सरसों का तेल डालेंगे, हींग डालेंगे, जीरा डालेंगे। तो फ्रेंड देखिए हम हींग डालेंगे, सरसों डालेंगे और एक छोटा चम्मच जीरा और ये मिर्चा। तो फ्रेंड देखिए ये मिर्चा दिखने में बस छोटा है लेकिन बहुत तीखा है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम इसको डाल के भून लेंगे। क्योंकि इसमें भी तीखापन आता है, ये थोड़ा इसका तीखापन सॉरी जो तीखापन होता है वो हट जाए। तो हल्का हल्का इसको भून लेंगे। अभी सब्जियों को डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड देखिए ये चार पांच काली मिर्च और ये छोटा चम्मच जीरा और ये दो छोटा चम्मच सरसों, तो इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो फ्रेंड देखिए कैसे पानी छोड़ दिया है, तो अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर और फ्रेंड स्वाद अनुसार नमक, आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे और गैस को तेज कर देंगे मसाला भूनने के लिए और एक गोल्डी पाउडर डालेंगे, इससे इसका टेस्ट और अच्छा आएगा। तो फ्रेंड देखिए ये गोल्डी पाउडर है, आप पूरा भी डाल सकते हैं, थोड़ा भी डाल सकते हैं। और ये हमारा जो पेस्ट बनाए थे वो है, तो देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हमारे गांव में लोग बहुत इसको प्यार से इसका सब्जी बनवा के खाते हैं, उनको ये सब्जी बहुत टेस्टी लगता है, बड़े बुजुर्ग लोगों को। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको हम ऐसे ही पकाएंगे एक दो मिनट, तब ढकेंगे। तो फ्रेंड हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि घेवड़ा ऑलरेडी पहले से ही पानी इसमें छोड़ चुका है, तो इसको हम चला के और ज़्यादा नहीं दो मिनट के लिए ढक देंगे कि हमारा अच्छे से पानी भी थोड़ा सोख ले और मसाला भी अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड देखिए अब इसको हम ढक देंगे। तो फ्रेंड देखिए हमारा ये सब्जी बन के रेडी हो गया, हम गैस को बंद कर दिए। अब आपको टेस्ट कराएंगे, अभी इसको ठंडा होने दे रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए ये हमारा कितना टेस्टी साग बन चुका है और ये हम दाल बनाए हैं, ये गर्मा गर्म चावल और ये करेली का भुजिया, जो करेली को काट के और धूप में सुखा के और स्टोर करके रखा गया था, तो सोचे हैं कि इसको भी हम आज भुजिया इस पर भूज लें। तो फ्रेंड जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड ये हमारा
सब्जी आप ट्विस्ट करके बताइए, और दाल, और ये चावल गर्मा गर्म, और एक करेली का भुजिया। तो फ्रेंड ये लीजिए और टेस्ट करके बताइए कैसा हुआ है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। तो फ्रेंड फिर मिलेंगे एक हम नए ब्लॉग में नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।